हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो आप में से आने वाले वीडियो वीपीडीओ एग्जाम 2023 में बैठने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से टेस्ट सीरीज की, एमसीक्यू की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने सारे ले रखे हैं। हाल में ही आपकी जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उसने कौन से जो आपके टोल है उसको बंद करने की तैयारी कर रही है, ठीक है। क्योंकि कई टेक्निकल उसमें फॉल्ट आ रहे हैं, कई बार जो है लोगों का अपोज भी हो रहा है। तो आपको बताएं, इन चारों में से वो कौन सा आपका टोल टैक्स है जो बंद होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको बिल्कुल सही आना चाहिए क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका फास्टैग। देखा होगा आपने गाड़ियों में आगे की तरफ जो है ये फास्टैग अब लोग बहुत लगवा चुके थे अपनी गाड़ियों में, बट अब सरकार जो है इसकी तैयारी करेगी, ये फास्टैग बंद होगा। तो आप बोलेंगे भाई, जो हाईवे आप यूज करेंगे या जो फैसिलिटी यूज करेंगे, फिर उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि उस टोल टैक्स की जगह या उस टोल की जगह एक पोल लगा होगा, जिसमें अपने आप आपके यहाँ से अकाउंट से पैसे कटेंगे। अब वो टोल भी जरूरत नहीं है आपको उसकी, ठीक है। तो वो टोल हटाएंगे, फास्टैग लगा रहेगा, और हाई फाई टेक्निक हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। हाल में ही निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन है जिन्हें निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार मिला है? कई बार एग्जामिनर जो है ऐसे अवार्ड से पूछ लेते हैं जो बहुत कम आप लोगों ने सुने होते हैं, बट अपने आप में वो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं। तो इसमें से आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है जनरल कौल। जनरल कौल को जो है ये आपका स्मृति विश्व शांति अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, मेरी ऐप पे इक्वेटर दून ऐप पे मैंने फुल मॉक टेस्ट जो है वीपीडीओ का अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जैसे आपको देख रहा होगा 30 क्वेश्चंस और जनरल स्टडीज के और 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 499 रखी गई है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? ये पुरस्कार भी आपने बहुत कम सुना होगा या शायद सुना ही नहीं होगा। तो पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? चार नाम आपके सामने हैं, समय लीजिएगा आप लोग 10 सेकंड का। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है देव दत्त चक्रवर्ती को जो है ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। कांस फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ द ऑनर कौन बनाया गया है? इन चारों देशों में से किसे कंट्री ऑफ द ऑनर बनाया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 सेकंड्स का समय लें, 5 सेकंड का। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो हम लोग यानी कि हमारा इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जो है वो जारी करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हर साल जो है ये संस्था इंस्टीट्यूशन जो है वो मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी करता है। आपको बताना है कौन सा है इन चारों में से। चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वो ये रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है। छठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल कितना 15% के साथ मिलाकर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? बड़ा अच्छा चीज है ये, क्योंकि धीरे धीरे हम पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं, मेथनॉल बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें से किस जो कंपनी है
उसने ये किया है। चलिए आंसर आप सोच चुके होंगे इसका। इसका आंसर है सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आपका पेट्रोल में 15% जो है वो क्या मिलाना शुरू कर दिया, मेथनॉल। और एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत की पहली, ठीक है, इंडिया फर्स्ट आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, जिसका नाम इन्होंने क्या लिखा रखा है, ट्राई हॉग, की घोषणा कहाँ की गई है। पहली है, देखिए जो क्वेश्चन पहली वाले होते हैं बच्चों वो जरूर करना, एग्जाम में जरूर आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा इसका, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका उड़ीसा। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आप लोग के आउट ऑफ 7 कितने क्वेश्चन सही होंगे। और अगर आप इसी तरीके की फुल फ्लैश जो है 30 जनरल स्टडीज की मिनिमम मॉक टेस्ट सीरीज और 10 उत्तराखंड की मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ 499 में परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके मेरा ऐप इक्वेटेड डूम डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को परचेज करें।